18 तारीख को जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो तो वैज्ञानिकों की करामत थी, मैं मानता हूं, लेकिन दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सेंक्शन लगने के बाद, हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद, ये अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दम था कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम झुकने वाले लोग हैं। ताकत 11 वाले में जितनी है उससे ज्यादा ताकत 2 दिन के बाद 13 तारीख को न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसमें। मित्रों, ये देश देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और जब अटल जी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो सारी दुनिया भड़क उठी। सभी दुनिया के समृद्ध देशों ने सैंक्शन लगा दिए। हिंदुस्तान आर्थिक रूप से तबाह हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई और विधि में अवश्य कर दी गई। और 11 मई थी वो दिन जब अटल जी ने अणु विस्फोट किया था, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने बयान दिए थे इसमें अटल जी की कोई कमाल नहीं है तो वैज्ञानिकों की कमाल है। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, 11 तारीख को जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो तो वैज्ञानिकों की करामत थी, मैं मानता हूं, लेकिन दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सेंक्शन लगने के बाद, हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद, यह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दम था कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम झुकने वाले लोग हैं। ताकत 11 वाले में जितनी है उससे ज्यादा ताकत 2 दिन के बाद 13 तारीख को न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसमें।